प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 18,000 करोड़ रुपया 9 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में एक बटन दबा के उनके अकाउंट में जो है वो क्रेडिट कर दिया। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है। ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है कि जो छोटे मोटे किसान हैं उनको एक असिस्टेंस है, एक गवर्नमेंट की तरफ से मदद है, छोटी सी मदद है, ताकि वो इससे अपने एग्रीकल्चर इनपुट्स जो भी अलाइड उसके डिपार्टमेंट के जो भी इनपुट्स हैं हार्टिकल्चर है उसके लिए जो है इस पैसे को यूज़ करें, अपना खाद जो है वो लें, बीज जो है टाइमली लें। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। यहाँ पे हमारे PRIs, हमारे किसान भाई सारे यहाँ कम से कम 150 से 200 लोग यहाँ पे फार्मर जो थे वो जमा हुए और हमने यहाँ पे वो लाइव जो PM का जो लाइव ये चल रहा था वहाँ पे नेशनल TV पे हमने वो भी यहाँ पे किसानों को बताया और PM डायरेक्ट किसानों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। आपने KCC लोन लिया, आपने आपके अकाउंट में ये पैसा डाला गया PM किसान का, आपने इसको कैसे यूटिलाइज़ किया। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ के फार्मर्स ने वो यहाँ पे देखा ये सारी चीज़ें कि वहाँ किसान हमारे इलाके से बाहर के जो हिंदुस्तान के दूसरे कोनों में किसान हैं वो इस पैसे को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत बढ़िया स्कीम है। हाँ देखिए इसके बारे में आपको मैं आगाह कर दूँ कि अभी मेरे पास 34 पंचायत हैं और स्टाफ की बहुत कमी है, यानी 3 मुलाज़िम है मेरे पास और 34 पंचायतें हम देख रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हर गांव में हर पंचायत में जाके फार्मर्स को जितनी भी डिपार्टमेंट की नई नई स्कीम्स हैं उनके बारे में अवेयर करें। लेकिन कहीं ना कहीं फार्मर का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो अवेल करें। अगर फार्मर ही नहीं चाहेगा कि किसी स्कीम को जो है गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है उसका फ़ायदा लेना तो इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये 2-way सिस्टम है। अगर फार्मर का तालमेल रहे, प्रॉपर फीडबैक मिले तो हमारी भी कोशिश रहती है कि बताइए क्या किस प्रकार के योजना का आपको लाभ हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? तो इसके साथ ही मैं दावत देता हूँ जनाब पठानिया साहब को, वो भी एक प्रोग्रेसिव जमींदार हैं और वो बड़ा मुख्तसर समा लेंगे, मुझे पता है इनको, ये मुख्तसर समा में अच्छी बात उगल देते हैं।
दोस्त सरकारें होती हैं, ये एक इंसान दुश्मन सरकारें हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि ये इंसान दुश्मनी छोड़ करके इंसान दोस्ती की तरफ आइए और इन लोगों की इस दुर्दशा को ख़त्म करने के लिए इकदाम कीजिए। ये मैं किसानों को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, अपनी तरफ से वो बुरा ना माने तो खुदा के लिए, जो सरकार ने ये जो KCC लोन आपको प्रोवाइड किए हैं, इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है हमारे किसानों के द्वारा। वो कहीं या तो शादी पर लग रहा है, या कहीं मकान बनाने पर लग रहा है, कहीं आपने मकान को टीन लगाने पर लग रहा है। तो खुदा के लिए अगर आप उस पर काम करेंगे, अगर उस पर आप काम करेंगे, उसको आप कहीं चैनलाइज करेंगे, उस पैसे को कहीं अपने बिजनेस में लगाएंगे, कोई काम उस पर खड़ा करेंगे, कोई बिजनेस उस पर खड़ा करेंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि आपको किसी किस्म की कमी होगी। एक अच्छी पॉलिसी है। हम ये नहीं कहें कि सिर्फ नुक्ताचीनी ही करनी है, मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव रोल हमारा है और इंशाल्लाह रहमान पॉजिटिव रोल रहेगा। जो सरकार की अच्छी नीतियाँ हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, हम उनको खुशामदेद कहते हैं सरकार को कि अच्छी नीति, ये एक अच्छी नीति है। लेकिन मेरी आवाम से गुजारिश है, किसानों से गुजारिश है कि जो आप बैंक से लोन ले रहे हो, तो खुदा के लिए इसको शरीनी मत समझिए, इसको मिठाई मत समझिए, ये बहुत बुरी तरह से आपको सताएगी साल के बाद। लिहाजा आप जो पैसा ले रहे हो बैंक से, उसका सही इस्तेमाल कीजिए।